दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश प्रोवर्ब का ये हमारा चौथा वीडियो है और आज के इस वीडियो में भी हम उन कहावतों के आपको तर्जुमे बताएंगे जो हिंदी उर्दू में बहुत राइज हैं। उनके इंग्लिश इक्वलेंट क्या होंगे, किस तरह से वो इंग्लिश में बोले जाएंगे, या अगर आप इंग्लिश प्रोवर्ब जानते हैं तो उसका उर्दू या हिंदी तर्जुमा क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी हमने अपने पिछले वीडियोस की तरह 20 ऐसे प्रोवर्ब्स या कहावतें चुनी हैं जो कि बहुत इस्तेमाल में हैं और हम उन्हें कहीं ना कहीं बोलते, सुनते, पढ़ते जरूर हैं। तो सबसे पहले हमने एक कहावत ली है, वो है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। यानी एक ऐसा इंसान जिसका कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है, ना इधर है ना उधर है। तो इंग्लिश में उसका तर्जुमा इस तरह से किया जाता है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। उसके बाद हमारी अगली कहावत है, जो होना है होगा ही, या अगर हम इसको दूसरी तरह से कहें कि जो होना है सो होना है, वॉट एवर विल बी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो होकर रहता है। फिर एक हम बहुत इस्तेमाल करते हैं फ्रेज, डूबते को तिनके का सहारा। इंग्लिश में उसे इस तरह से कहेंगे, अ ड्रॉइंग मैन क्लचेस आ स्ट्रॉ। यानी अगर कोई डूब रहा है तो अगर उसके हाथ कोई तिनका भी आ जाता है, कोई स्ट्रॉ भी आ जाता है, तो वो एक बड़ा सपोर्ट होता है। यानी अगर मुसीबत के वक्त इंसान को एक छोटी सी भी उम्मीद मिल जाती है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी आशा बन जाती है। फिर है दान की बछिया के दंत या दांत नहीं गिने जाते, नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो वहां पर हम ये नहीं देखते कि वो चीज कैसी है, अच्छी है या बुरी है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। फिर है दाल में कुछ काला है, या दाल में काला होना, देयर इज समथिंग रॉटन। और कभी कभी हम बोलते हैं देयर इज समथिंग फिशी, यानी जब आपको कहीं पर कोई शक हो रहा हो। दीवारों के भी कान होते हैं, इवन वॉल्स हैव ईयर्स। दुआ सलाम सबसे, दोस्ती कुछ एक से। हैव मैनी एक्वेंटेसेस बट फ्रेंड्स वेरी फ्यू। यानी हर एक से बात करना चाहिए, हर एक से दुआ सलाम रखनी चाहिए, लेकिन दोस्त कुछ ही होते हैं इंसान की जिंदगी में। हर एक इंसान दोस्त नहीं होता है, जैसे एक शेर है कि दोस्त होता नहीं हाथ, हर एक हाथ मिलाने वाला। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। बिटवीन टू स्टूल्स वन फॉल्स ऑन द ग्राउंड। यानी आपको एक तरफ होना पड़ता है, दो नाव पर सवार, ये भी हम बोलते हैं इसके लिए। तो दो नाव पर अगर आप सवार हैं तो आप डूबेंगे ही डूबेंगे। दूध का दूध पानी का पानी, ऑयल एंड ट्रूथ विल कम आउट टू द सरफेस। यानी आप सच को नहीं छुपा सकते। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, या दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इसके दो तरह से एक्सप्रेशन है इंग्लिश में। पहला है डिस्टेंट ड्रम साउंड वेल, और दूसरा है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यानी जब आप दूर से देखेंगे तो दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी ही आपको दिखाई देगी। जब तक आप उस सेटअप में नहीं जाते हैं, जब तक आप उस चीज से रूबरू नहीं होते, आपको सच्चाई नहीं पता चलती। फिर हम एक बहुत कहावत इस्तेमाल करते हैं, देखिए ऊंट किस करमट बैठता है, या उसको हम दूसरी तरह से कहते हैं, तेल देखो तेल की धार देखो। यानी अभी इंतजार करो, देखो आगे क्या होता है, तो इंतजार करने के बाद जैसा भी हो तब फैसला लो। इंग्लिश में हम उसे कह सकते हैं, लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज। देर से आए दुरुस्त आए, या देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, भले ही देर से आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसे शुरू कर दीजिए, ना करने से बेहतर है। फिर है दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर। तो अगर किसी का तजुर्बा खराब है तो अगली बार वो सोच समझकर फैसला करेगा। फिर है न बांसुरी बजेगी न राधा नाचेगी। इसको दूसरी तरह से इस तरह हम कह सकते हैं कि ना नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। नो फ्लूट नो डांस और नो प्रीस्ट नो प्रेयर। नई बहू 9 दिन की, यानी 4 दिन की चांदनी। ग्लैमर डज नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर किसी के पास सिर्फ ग्लैमर ही ग्लैमर है तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता जब तक उसके पास और भी खूबियां ना हो। फिर है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा या नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन क्वरल्स विद हिज टूल्स। अगर किसी को कोई काम नहीं आता है तो वो दूसरों को ही उसका दोषी मानता है। नानक नन्हा ही रहो जैसे नन्ही दू। ये कबीर दास के दोहे का एक हिस्सा है और इसका मतलब है कि ह्यूमिलिटी ऑलवेज वर्क। अगर आप बहुत हम्बल हैं, बहुत इनकसार हैं, बहुत झुक के मिल रहे हैं, अगर आप पे इनकसारी बहुत ज्यादा है तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके काम ना बनाए। ह्यूमिलिटी, इनकसारी, झुक कर मिलना हमेशा अच्छा है, अहंकारी होना हमेशा बुरा है। फिर है नाम बड़े दर्शन छोटे, मच क्राई लिटिल वूल। यानी नाम बहुत सुना था और जब सांप का पड़ा तो कुछ खास नहीं था। नीम न मीठी हुए चाहो सींचो गुड़ घी से। क्रोज आर नेवर द वाइटर फॉर वॉशिंग। तो इसका मतलब ये है कि नीम अगर कड़वी है, उसकी तासीर कड़वी है, तो अगर आप उसमें गुड़ और घी भी डाल दें, उससे भी उसे सींचें, तब भी वो कड़वी की कड़वी ही रहेंगी। यानी जिसकी जो फितरत है उसे आप नहीं बदल सकते। फिर है नीम हकीम खतराए जान। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। यानी जब हम किसी चीज के बारे में बहुत कम जानते हैं और दूसरों को भी उसके बारे में अगर हम बताने लगें एक्सपर्ट बनकर, तो जान का खतरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारे 20 कहावतें ये थीं। आपको कैसी लगी, आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।